जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह अपना पार्ट 10 है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसमें पार्ट 10 में सामान्य ज्ञान है। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। तीन प्लान है यहाँ पर, तो आप जौन सा भी प्लान खरीदना चाहते हैं तो वह प्लान खरीद लें और चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। वहां पर आपके लिए एक ग्रुप में जोड़ दिया जाता है ज्वाइन मेंबर के लिए, वहां पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल PDF जो भी रहती है वह आपके लिए उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है, तो कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी है वह जो केरल और तमिलनाडु की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो यहाँ पर परम्बिकुलम जो अलियार, यह आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, गंडक जो परियोजना है यह किन दो राज्यों की परियोजना है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, या बिहार एवं मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश, यह आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। गंडक परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है, इसकी शुरुआत सन 1961 में हुई थी और यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है तथा इसे नेपाल को भी लाभ मिलता है इससे। अगला क्वेश्चन है, क्या है मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि? क्या होती है? यहाँ निम्न दाब रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती हैं, यहाँ बर्फ वर्ष भर जो है वर्षा होती रहती है, और यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी कि इसका आंसर है यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की होती हैं, यह आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं? तो चार विकल्प हैं और इसका आंसर बताना है कि चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों जो स्थान है समुद्र तट पर स्थित हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी, चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, यह आपका सही आंसर है कि जो चेन्नई है यह विषुवत रेखा के अधिक समीप है, यह आपका सही आंसर होगा। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म रहती है क्योंकि चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। अगला क्वेश्चन है कि वन रोपण प्रक्रिया है, तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है अपने यहाँ पर, वन रोपण प्रक्रिया है वन साफ करने की और पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, वन संसाधन को एकत्र करने की। तो वन रोपण जो प्रक्रिया है यह है क्या है? विकल्प नंबर यहाँ पर बी आपका रही राइट आंसर होगा, पेड़ लगाने की, पेड़ लगाने की यह आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 6 है अपने यहाँ पर, सभी लोग बताएंगे, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है, उष्णार्ध पतझड़ वन, यह है आपका यहाँ पर सही आंसर है, उष्णार्ध पतझड़ वन यहाँ पर विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 है अपने यहाँ पर, चार विकल्प भी दिए गए हैं आपके सामने, मानसून वन, वर्षा वन, पतझड़ वन या सुंदर वन। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर डी यानी कि सुंदर वन।
जिन्होंने भी डी बताया है उनका सही आंसर है सुंदरबन। यहाँ पर सही आंसर होगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या 103 है। अगला क्वेश्चन है लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो बताइए लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है अपना। लावा की प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि काली मिट्टी। काली मिट्टी यहाँ पर सही आंसर है, जिन्होंने बी बताया है उनका सही आंसर है। देखिए भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है, इसे रेगुर भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि काली मिट्टी का एक अन्य नाम बताइए, तो क्या है इसका अन्य नाम? रेगुर मिट्टी या रेगुर मिट्टी। किस मिट्टी को कहा जाता है? तो काली मिट्टी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसमें पोटास की बहुलता होती है लेकिन प्राय इसे काली कपास मिट्टी कहती है क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है। काली मुख्य जो मिट्टी है यह मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में कार्मिक पदार्थों की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है तो भारत की कितने प्रतिशत भूमि, यह बताना है, लगभग बताना है, 30%, 40%, 50% या 60%। क्वेश्चन नंबर अपना 9 है यहाँ पर, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी यानी कि 60%। 60% यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, जिन्होंने ही बताया उनका सही आंसर है। मृदा अपरदन वस्तुतः मिट्टी की सबसे ऊपरी परत का क्षय होना है। सबसे ऊपरी परत का क्षय होने का अर्थ है समस्त व्यवहारिक प्रक्रियाओं हेतु मिट्टी का बेकार हो जाना। और मृदा अपरदन प्रमुख रूप से जल व वायु द्वारा होता है। यदि जल व वायु का व्यय तीव्र होगा तो मृदा अपरदन की प्रक्रिया भी तीव्र होगी। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग 60% भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है? तो सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य बताना है। चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है अपने यहाँ पर, सभी लोग आंसर बताएंगे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिन्होंने ही बताया है उनका सही आंसर होगा। देखिए भारत में खाद्यान्नों का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। पंजाब और मध्य प्रदेश का इस मामले में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान है, दूसरा पंजाब का, तीसरा मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु। चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है अपने यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में होती है, तो कौन से राज्य में होती है? तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि असम। असम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी। देखिए असम में एक बड़े पौधों के पत्ते से काली चाय का उत्पादन होता है। असम विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र विश्व का है, यहाँ पर कौन सा है? असम। और जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। असम की उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली चाय को दुनिया में सबसे अच्छी चाय के रूप में माना जाता है। और असम भारत में देसी चाय के पौधों का एकमात्र क्षेत्र और चीन के दक्षिणी क्षेत्र के बाद इसका दुनिया में दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? तो नहीं माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 है अपना यहाँ पर, तो सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, चार विकल्प दिए हैं आपके सामने, असम, केरल, पंजाब, पश्चिमी बंगाल या छत्तीसगढ़। पंजाब नहीं है और इसका जो सही आंसर है वह छत्तीसगढ़, विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। चावल का कटोरा भारत में छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है और विश्व में चावल का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है,
छत्तीसगढ़ राज्य को। और विश्व का चावल का कटोरा कहा जाता है क्यूबा, जो क्यूबा देश है इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है तो कौन सा वह राज्य है? राज्य बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का राज्य बताइए वह कौन सा है जहां पर सर्वाधिक मसालों का उत्पादक होता है? गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश या पंजाब? चार विकल्प दिए हैं, क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 13 है। तो क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर? तो 13 का यहाँ पर होगा सही आंसर गुजरात। गुजरात विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है गुजरात। देखिए, भारत में मसालों का घर कहा जाता है, यहाँ विविध प्रकार के मसाले उत्पन्न किए जाते हैं यथा काली मिर्च, इलायची छोटी बड़ी, अदरक, लहसुन, हल्दी, लाल मिर्ची आदि। भारत मसालों और मसालों उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण है? तो क्या कारण है इसका, क्या कारण है? तो यहाँ पर चार विकल्प हैं, इस क्षेत्र में कपास की उत्पादकता का घटना, क्षेत्र की जलवायु में सामान्य परिवर्तन, सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है और देश में चीनी की बहुत मांग तथा ऊंची कीमत। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, सिंचाई सुविधा के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? चार विकल्प दिए हैं आपके सामने, तो सभी लोग आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताना है तो सभी लोग बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि इसी प्रकार के और वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। और भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पर है तापीय विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए, ताप के परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थों की लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में होने वाले परिवर्तन को ताप विस्तार कहते हैं। सभी पदार्थों में प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो यहाँ पर एशिया की बताना है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के कौन से राज्य में है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? चार विकल्प दिए हैं, क्वेश्चन नंबर अपने यहाँ पर 16 है। तो क्या होगा 16 का यहाँ पर राइट आंसर? हाँ, तो 16 का यहाँ पर सही आंसर है बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, हिमाचल की संजय जल विद्युत परियोजना एशिया की पहली भूमिगत जो परियोजना है, यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है और इसकी उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? यूरेनियम, लोहे अयस्क, बॉक्साइड या मैग्नीज? तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि लोहे अयस्क। लोहे अयस्क आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, बाबा बुदन पहाड़ियां कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। यह समुद्र तल से 1895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लोहे अयस्क खनिज के उत्खनन के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो जो यह जो खान है कौन सी है? डेगाना खान यह टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह कौन सी राज्य में? झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो क्वेश्चन नंबर 18 के यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह विकल्प नंबर सी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान आपका यहाँ पर सही आंसर है। डेगाना भारत के राजस्थान राज्य में नागौर जिले का एक प्रमुख शहर है। डेगाना में जो है एकमात्र टंगस्टन की खान स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है? तो धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से या कुल्टी से? चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है? तो यह होता है हजारीबाग। हजारीबाग यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। देखिए, अभ्रक एक बहुपयोगी खनिज है जो अग्नि या कायांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। इसे बहुत पतली पतली परतों में चीरा जा सकता है। यह रंग रहित या हल्के पीले, हरे, काले रंग का होता है। हजारीबाग के स्वाभाविक रूप से कई अयस्कों और खनिजों में समृद्ध और सुंदर जिला है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला बताना है, क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भूरा कोयला कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? विकल्प नंबर डी यानी कि लिग्नाइट। लिग्नाइट आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी। देखिए लिग्नाइट निष्कर्ष वर्ग का पत्थर कोयला है। इसका रंग कत्थई या काला भूरा होता है। अपेक्षित घनत्व भी पत्थर कोयला से कम होता है और यह वनस्पतिक ऊतक के रूपांतरण की प्रारंभिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना बताना है इसकी कब हुई थी। चार विकल्प हैं आपके सामने और इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर एक यानी कि 1876। 1876 यहाँ पर सही आंसर है। 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए इसकी स्थापना 1876 में जॉर्ज एलन बी ई कपूर, गेविन एस जॉन्स और डॉक्टर कॉन्डोन और बीबेन पेटमैन आदि ने की थी इसकी स्थापना। और अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र स्थिति पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो पिंपरी है यह किस लिए प्रसिद्ध है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना 22 यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। पिंपरी जो भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी कहलाने वाले पुणे शहर से यह शहर केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर पवना नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे? पवना। अगला क्वेश्चन है बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थापित हुई? क्वेश्चन नंबर 23 अपना क्या है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई तो यह हुई थी कहाँ पर? विकल्प नंबर एक यानी कि मरहौरा में। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखो मडोरा में कानपुर सुगर वर्क्स ने 1904 में चीनी मिल की स्थापना की थी। यह बिहार की सबसे पुरानी चीनी मिल है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ पर है? मुरादाबाद में, मिर्जापुर में, कानपुर में, मथुरा में। चार विकल्प हैं आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि मथुरा। मथुरा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। देखिए उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है। मथुरा उत्तर प्रदेश प्रांत का एक जिला है। 2 अक्टूबर 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा मथुरा रिफाइनरी का शिलान्यास किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1972 को जो प्रधानमंत्री थी वह श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और इनके द्वारा रिफाइनरी का शिलान्यास किया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह बताना है 4, 5, 6, 7। चार विकल्प दिए हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 25 है क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा? संख्या 7 यानी कि कितने राज्यों से होकर गुजरता है यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी यानी कि 7 राज्यों से होकर गुजरता है। देखिए भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 या NH 44 पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यह प्रमुख है उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों के मध्य से होकर गुजरता है और NH 44 केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया था और इसकी देखरेख भी वही करता है। कौन करता है? लोक निर्माण विभाग। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो रेल मार्ग नहीं है क्वेश्चन नंबर 26 है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चार विकल्प दिए हैं कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह विकल्प नंबर एक यानी कि सिक्किम। विकल्प नंबर एक आपके यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वाधिक रेल मार्ग की लंबाई रेल मार्ग असम राज्य में है। सिक्किम में जो है कोई भी रेल मार्ग नहीं है। अभी सिक्किम के लिए जो है 44 किलोमीटर लंबी सिबोक रंगपो की एक नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।
दी गई है। और अगला क्वेश्चन है कि कोंकण रेल मार्ग निम्नांकित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। कोंकण रेल मार्ग आपने सुना होगा, यह किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? हिमाद्री, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ियां। इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प दिए हैं क्वेश्चन नंबर 27। और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आपका सही आंसर है। कोंकण रेलवे भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई और मंगलोर को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी थी और यह 760 किलोमीटर लंबी यह लाइन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों को जोड़ती है, जो एक ऐसा क्षेत्र जहां आर पार बहती नदियां, गहरी घाटियां, आसमान छूते हुए पहाड़ हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? भारत में बताना है क्वेश्चन नंबर 28 अपने यहाँ पर 100, 311, 111 या 401। तो यहाँ पर सही आंसर है 111, यानी कि विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 12 नवंबर 2018 को हल्दिया वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग बन को चालू किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत भारत सरकार ने देश के राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में 1111 जलमार्ग घोषित किए हैं। कितने किए हैं? 111। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? चार विकल्प दिए हैं आपके सामने, कांडला, विशाखापट्टनम, मुंबई या पारादीप। तो इस प्रकार आप जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर, भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो बिल्कुल सही है आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जिन्होंने विकल्प नंबर बी बताया है उनका राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित विशाखापट्टनम पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और देश का सबसे पुराना भी जो है शिप यार्ड है। विशाखापट्टनम बंदरगाह बंगाल के किनारे में इसने एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है। कृष्णापट्टनम को पोर्ट आंध्र प्रदेश में एक निजी तौर पर निर्मित गहरे पानी का बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 अपना क्या है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है? कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है? क्वेश्चन नंबर 30 है, हल्दिया, मुंबई, चेन्नई या विशाखापट्टनम। चार विकल्प दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो वह है आपका चेन्नई, विकल्प नंबर सी यहां पर सही आंसर होगा। देखिए खुला बंदरगाह उसे कहते हैं जहां पोत तट से दूर खुले सागर में लंगर डालते हैं और देश में इस प्रकार का बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है जहां लोह अयस्क के निर्यात के लिए एक बाहरी बंदरगाह बनाया गया है। यह एक बहुउद्देशीय बंदरगाह है। इसके पोताश्रय में डाल्फिन नोज नामक पहाड़ी भाग निकल जाने से यह पतन मानसूनी पवन के झकोरों से सुरक्षित रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर नहीं बने हैं अभी तक तो चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं ज्वाइन मेंबरों के लिए। आपको यहाँ पर तीन प्लान हैं तो तीन प्लान में से आप जो भी खरीदना चाहते हैं वह प्लान खरीद लें और चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। आपको ज्वाइन ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, वहाँ पर स्टडी मटेरियल जो भी पीडीएफ रहती हैं वह आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो तीन प्लान हैं आपके, सिल्वर प्लान 29, गोल्ड प्लान 59 और डायमंड प्लान 119। तो जौन सा भी खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।